सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हम उतर रहे थे मिल्टा फैक्ट्री में और मेरे साथ उतर रहे थे दो बंदे। बस भाई, मैं जल्दी से गन ढूंढ रहा था और वो बिल्कुल जस्ट मेरे सामने शॉटगन पे उतर रहा था। पर मेरे को गन मिलते ही मैंने एक को तो ख़त्म कर दिया, दूसरे को टैग दिया था जिसको गुरमीत ने ख़त्म कर दिया। इनको मार के थोड़ी लूट करके हम आ गए थे फिर उसके बाद मिल्टा पावर में। इतने भाई मैं यहाँ पर लेटा हुआ था और साथ में हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे फाइट्स तो हो रही थी पर कोई दिख नहीं रहा था। हमने हर जगह तो चेक कर लिया था पर अब बचा था ये वाला सिर्फ वेयर हाउस। तो गुरमीत और मैंने दोनों ने प्लान बनाया कि वो उस साइड से जाएगा और मैं इस साइड से। तो इसी के दौरान हम आ गए थे दोनों और मैं थोड़ा लालच खा गए यहाँ पे M24 पे। और ये भाई यहाँ पे देखो क्या हुआ, वाटर कैंपर कहाँ चढ़ के बैठा था भाई ये बंदा। ये देखो, मार नहीं पाया मेरे को कितना, मतलब भाई क्या बंदा था। इसको भाई डिलीट करवाओ भाई पबजी। भाई मैं कितनी देर मतलब खड़ा रहा था। तो उतने भाई वहाँ से लूट के हम आ गए थे पोचिंग की स्क्वाड और फ्लेयर चलाने, और हमारी फ्लेयर भी आ चुकी थी। उतने में भाई मैं फिर लेने चला गया और साथ में मेरे को मिल गई M249 और ओम। सो भाई मज़ा आ गया भाई। और साथ ही में भाई इतने में मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो गाड़ी भी आ गई मेरे भी नीचे। और एक बंदा मतलब बाहर नेट ट्राई कर रहा था वो फेंकने का, पर दिख नहीं रहा था मेरे को यहाँ से। पता नहीं क्या कहाँ छुपा हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था। ना फुटस्टेप्स दिखा रहे थे, पता नहीं कहाँ ही था, कितना ढूंढा भाई। और उतने यहाँ पे पता चला ये गाड़ी के पीछे है भाई। मैंने आ जा भाई आ गया। उतने भाई ये फुल मतलब रश मूड में आया और बेचारा आते जाते ही ख़त्म हो गया। गलत भाई गलत। फिर मैं भाई फुल रीलोड करके छत पे आया, उतने में भाई दो बंदे फुल भाई ओपन से आ रहे हैं भाई बिना स्मोक के। एक को तो थोड़ा अटैक दिया था, दूसरा भाई पीछे से आया। मैंने इसको तो नहीं छोड़ना भाई। और जैसे इसको नॉक करा भाई मैं नीचे उतर गया और अपना फुल ऐसे ही भाई गोलियां चलाने लग गया भाई। उतने में ये भी डुओ ख़त्म। फिर इनको लूट के भाई मैं फिर आ गया था छत पे और उतने में पीछे गिरा था ड्रॉप, और साथ ही में पीछे से आई थी एक गाड़ी। और मेरे को लग ही रहा था कि भाई कोई ना कोई तो आ ही सकता है भाई, हम आए हैं यहाँ पे और एक बंदे ने आके कर दी गलती। तुम्हारे भाई का M4 3X OP है। फिर यहाँ पर भी सामने बंदे, मतलब कितने ही बंदे पोचिंकी में भाई, कितने ही। मैंने इसको पट से देते हैं, दिखा भाई सर दिखा, आ जा भाई सर दिखा। अरे आ गया बेचारा, इतने टोपा खुलवा लिया अपना यार। इतने पीछे भी गाड़ी आ गई, मैंने इसको भी थोड़ा वो पंगे लेने की कोशिश कर ली कि हम भाई अब फाइट्स लेने ही आए तो अच्छे से ले लें। उतने में यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मेरे को आइडिया नहीं था कि उसका बंदा कौन से घर में है, नहीं तो इसको भी ले जाता। मैंने अपना नेट भी कुक करके मतलब फेंका था वहाँ पे, पर वहाँ पे कोई मरा नहीं अंदर। अब यही इंतज़ार था कि कब ये आए और इनको दोनों को मार दें। और इतने में भाई इनको मारने लगा तो मेरे को पड़ी कार 98। अब वो टॉवर से मारी, कहाँ से मारी ये दिख ही नहीं रहा था बंदा भाई, कितना ही ढूंढा। उतने गुरमीत ने नॉक कर दिया भाई सामने शैक के वहाँ पे बंदा। तो मैं हील लगा के भाई पीछे से नीचे उतर गया। मैंने इन दोनों को तो यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को पीछे का क्लियर रखना है। मैंने अपनी मौलवी वहाँ पे शैक में फेंकने की कोशिश तो करी थी पर वो पता नहीं गई अंदर या नहीं। मैं बस फुल हील करके रेडी हो रहा था और साथ में ओम निकाल के भाई देखने लग गया कि कोई दिखा दे अपना टकला, टोपा फोड़ दूँ उसका मैं। दिखाया ही नहीं भाई किसी ने, कितना वो करा। एक दो बंदा हिलता हुआ दिखा था पर उसने सर ही नहीं दिखाया।
फिर अब जोन भी आ गया था और उनको आना था जोन, तो वो भी थोड़ा बुखला गए कहाँ से जाएं कैसे जाएं जोन। उतने गुरमीत भाई पर स्क्वाड हाउस के बरामदे में था, तो उसने भाई एक तो बंदा कर दिया नॉक और दूसरे बंदे की तलाश में भाई मैं चला गया बाहर, जो कि थोड़ा रिस्की था पर बच गया मैं, किसी ने मारा नहीं। तो ये तो भाई प्ले जोन से टीम ख़त्म हो गई थी। तो इसी के साथ अब 5 और एनिमीज बचे थे, तो मैं छत पे आ गया था और गुरमीत नीचे का संभाल रहा था। फिर बस हम यही देख रहे थे कि सिर्फ यही स्क्वाड हाउस है अभी जो जोन में है, तो चांस ये रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकें ऊपर से, पर कोई दिखा ही नहीं। और उतने में एक गाड़ी आई, पर यहाँ पर जो भाई मैंने हगा ना नॉक नहीं हो पाया, और इनको मतलब हमने थोड़ा सा टैग दिया था और वो ही आ गए, दूसरी टीम ने फायदा उठा लिया। क्या यार गलत। तो ऐसे तो अब सिर्फ एक डुओ और एक सोलो रह गया था और हमारे को भी जाना था जोन, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए हम आ गए थे जोन में। तो मैं इतने में गुरमीत ने पत्थर ले लिया और मैं आ गया था ड्रॉप लूटने और ड्रॉप का कवर बनाना चाहता था। वही डुओ वर्सेस डुओ फाइट रह गई थी और मेरे को मिल गया था घिली सूट। सो मैंने सोचा भाई अब घास में लेटना ही है, कैंपिंग करनी है फुल, तो सारा सामान उतार देते हैं भाई ताकि हम दिखें ना किसी को। मैंने ओम भी गिरा दी और पैन भी गिरा दिया। तो बस मैं ऐसे यहाँ पे लेटा पड़ा था और फुल मतलब सोच रहा था कि बंदे दिख जाए, मैं उनको देख पाऊँ आराम से, वो ना देख पाए भाई। पर यहाँ पे मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो गया भाई, गलत ही सीन हो गया। जो यहाँ पे मैंने इक्विपमेंट्स गिराई में भी बंदे ने वो देख लिया क्या, और इसने मारा कहाँ से मेरे को ये नहीं समझ आया। मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा भाई, बिल्कुल एक बंदा नहीं दिखा। यहाँ पर ड्रॉप के पीछे आया तो इसने इधर भी मार दिया। कैसे मार दिया भाई ड्रॉप के पीछे। सब सारी गेम गुरमीत के हाथ में थी, 1v2 फाइट थी। तो भाई ये तो मतलब गलत ही वो था, क्योंकि जोन भी इस पे नहीं था, इसको जाना था जोन। और इतने भाई सामने बंदा इस पे मतलब फुल फायर दे रहा है, उनको पता भी है यहाँ पे गुरमीत है पत्थर के पीछे। फिर इतने गुरमीत ने स्मोक में मॉली फेंक दी दोनों, ताकि बाय चांस हिट कर जाए। उतने में एक बंदा भागते तो हुआ गुरमीत को दिख गया और उसने कर दिया नॉक। सब ये बच गई थी 1v1 फाइट। यहाँ पे गुरमीत ने मतलब स्प्रे छोड़ा नहीं भाई, पूरी 100 की 100 गोलियां बंदे पे चला के रखी। सो गाइस मजा आया हो अगर तो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, होप करता हूँ आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा, तो शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ हमारा हुआ चैल किल्स चिकन डिनर। एंड गाइस यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे Q&A के पोस्ट जली पड़ी है, तो अपने जाके क्वेश्चंस पूछे। बाय बाय।